चेकिंग कर रहे हैं, मुझे उतार लिया था कल्ले को नीचे और इस चीज़ की डिमांड करी, मैंने तो दिया नहीं कुछ भी, 15 मिनट बिठा के रखा, फिर कहते हैं जाओ। ये है देखो अंदर से लैंड रोवर, इतनी पुरानी लैंड रोवर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी अपने, बहुत ज़्यादा पुरानी है। पर इसके अंदर सारे अभी भी गेजेज हैं, जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो दिए हुए इस टाइम पे हिसाब से। और इसका गेयर उल्टे हैं यार, ये देखो गेयर सारे उल्टे हैं। और ये इसका व्हाट इज हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है। कहाँ अंदर आते ही सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, एंटर करते ही आपको दिख जाएगा इतना बड़ा हिंदू टेम्पल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नए दिन के नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं भी हूँ नैरोबी केनिया में, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी अपनी नेक्स्ट कंट्री जिसका नाम है तंजानिया। सो अभी तंजानिया जाते हैं, तो आपको जब तंजानिया पहुँचते हैं तब मिलते हैं। थोड़ा सा बॉर्डर के पास जाके बताता हूँ कैसी सिचुएशन है और इमिग्रेशन का सारा कुछ बताता हूँ। पहले यहाँ से निकल जाओ, अभी तो होटल में हो अपने, होटल से निकल के फिर मिलता हूँ आपसे। यहाँ गाड़ी रोकी है अभी थोड़ी देर के लिए, चेकिंग कर रहे हैं, मुझे उतार लिया था कल्ले को नीचे और इस चीज़ की डिमांड करी, मैंने तो दिया नहीं कुछ भी, 15 मिनट बिठा के रखा, फिर कहते हैं जाओ, कल्ले मेरे को रोक लिया, पता नहीं क्यों ये सिस्टम है यहाँ का। अभी भी गाड़ी को निकलने नहीं दे रहे यहाँ से, चलो देखते हैं, नीचे करके वीडियो बनानी पड़ रही है, ऐसे पैसे खड़े हैं। अब जाने दिया, 15 मिनट मुझे कल्ले को रोक के रखा, चेक करते रहे, मैं कुछ नहीं दूंगा, चेक जितना मर्जी चेक कर लो, कुछ नहीं दूंगा मैं। यहाँ पे सिस्टम है थोड़ा थोड़ा ना, रिश्वत मांगते रहते हैं हर, आपको मोड़ पे थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद गाड़ी रुकवा लेंगे और ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे पता ही कुछ नहीं, सब पता होता है। मेरे से पूछा कितने हैं, मैं कह रहा उसको है ही नहीं अभी, कहते फिर ट्रैवल कैसे करा, मैं कह इतने ही थे, मैंने 1000 रुपये दे दिए, कहते यही दे रहे, मैंने कहा मेरे को आगे भी ट्रैवल करना है, कहते और पैसे कहाँ से लाएगा, मैंने कहा ATM से जाके निकलवाऊंगा आगे जाके। ये यहाँ पे है यार, यहाँ तो फिर भी कम है, अगर आप इथियोपिया में जाओगे ना बिलीव नहीं करोगे, 22 से 25 बार गाड़ी रोकते हैं अगर 100 किलोमीटर गाड़ी जा रही है तो, इतनी ज्यादा गाड़ियां रोकते हैं हद नहीं कोई। पर एक चीज अच्छी है केनिया की ना, जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं। यहाँ पे सड़कें क्यों अच्छी हैं, ये सब चाइना ने बनाई है, $7 बिलियन डेप्थ में है अभी केनिया, चाइना को जिसने देना है पैसे, इस करके उन्होंने सड़कें अच्छी बना दी यहाँ की, यहाँ से बड़ा बिजनेस ले रहे हैं। और फिर रोक लिया यार, देखो आगे पुलिस खड़ी है शायद, फिर हाथ नीचे करना पड़ेगा मुझे, रोकेंगे देखते हैं, नहीं रोका, तो पीछे गाड़ियां रोक रखी हैं, अपने को नहीं रोका, तो हर बार रोक लेते हैं। चलो अब आपको बॉर्डर के पास जाके, बॉर्डर क्रॉस करके मिलता हूँ, अदरवाइज यहाँ देख लेता ना वीडियोग्राफी कर रहा है फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, कहते ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तूने फोटोग्राफी कैसे कर ली यहाँ पे, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है, इसको बोल देते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये खेत है, इसमें कौन सा रिस्ट्रिक्शन है भाई, बना बात के ना बस अलग अलग तरीके बना रखे हैं, किसी तरह कुछ ले ले, किसी तरह कुछ पैसे दे दे हमें और यहाँ से जाए यहाँ से, और आप कुछ भी नहीं दोगे ना तब कुछ कर तो कुछ सकते नहीं, अथॉरिटी नहीं है कुछ, 15 मिनट आपको ऐसे तंग करेंगे, सामान खोल खोल के देखेंगे आपका, बस फिर उसका कहेंगे जाओ, हंसते हैं और ऐसे प्रटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ना एक अच्छी लगी, ये मटाटो है, इसमें ना जैसे इथियोपिया में तो 8-8, 10-10 बंदे भर के चलते थे, इसमें बिल्कुल नहीं बंदे भरे हुए, 8-8, 10-10 बंदे भर के चलते थे, इसमें बिल्कुल नहीं भरे हुए, इसमें गिनती के जितने सीट्स हैं उतने ही बंदे हैं और उसी में लेके चल रहे हैं, ठूस ठूस के नहीं चलते, वहाँ तो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा देते थे, कहते बस भर दो इसको जहाँ तक भर सकते हो, 1 इंच भी जगह ना छोड़ो। चलो जब आपको पहुंचते हैं बॉर्डर फिर मिलता हूँ। कुछ मर्जी को यार, तंजानिया का लैंडस्केप मैं कहता हूँ यूरोप से कम नहीं है, अगर आप देखोगे ना हिल जाओगे, इतना ज्यादा सुंदर लैंडस्केप है यहाँ का, राजा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा मेरा, ये देखो कितना ही अमेजिंग लैंडस्केप है यार, मैंने बहुत कम जगहों का इतना सुंदर लैंडस्केप देखा है। यहाँ पे एक माउंटेन भी है किली बंजारो,
देखेंगे अगर उस पर ट्रैक कर सके तो करेंगे, अदरवाइज मेरी कोई इच्छा नहीं है उसको ट्रैक करने की। पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली है, वो एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। और अभी एक बार ही इमिग्रेशन क्लियर कर लिया था मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या था, हॉस्टल जाके बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे लगे मेरे 10,000 तंजानियन शिलिंग, यहाँ की करेंसी शिलिंग्स है। आपको सारी डिटेल दूंगा अपने हॉस्टल पहुँच के, एक बार हॉस्टल पहुँच जाओ तब तक आप व्यू इंजॉय करो। यहाँ से जा रहा हूँ मुशी, और मुशी के लिए ये बस मिली है मुझे कुछ ऐसी, ये मुझे मुशी छोड़ देगी। यहाँ से मुशी लगभग 2 घंटे दूर है मुशी पहुँच के, वहाँ मैंने एक हॉस्टल देखा है, वहाँ हॉस्टल लूँगा। फिर उसके बाद कल से हमारा जो सिटी टूर है, ड्राइव टूर है, कल से शुरू हो जाएंगे सारे टूर। थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है अभी तो, अफ्रीका की हर कंट्री में ऐसा ही लगता है, पहले दिन तो आपको अनसेफ लगेगा क्योंकि जब तक आप यहाँ के माहौल को समझोगे नहीं तब तक आपको ऐसा लगता रहेगा। मुर्शी पहुंच के मिलता हूँ आप लोगों से, पर ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा मॉडर्न लगता है एज कम्पेयर टू इथोपिया, एज कम्पेयर टू केनिया, सफाई भी ज्यादा है यहाँ पर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, नए दिन में आपका स्वागत है। मैं रात को आ गया था, अपने हॉस्टल आता था, लेट हो गया था, मैंने सोचा क्यों ना सुबह शुरू की जाए। पहले अपना हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। ये कुछ ऐसा हॉस्टल मेरा कुछ ऐसा दिखता है, ये मेरा बेड है, इसके मैं पे कर रहा हूँ $9 पर नाइट, और बहुत सारे बेड है। और बस इसकी अच्छी बात है ये ना रोड पे है, बिल्कुल मेन रोड पे है, जहाँ बस उतारती है वहाँ से 300 मीटर दूर है, और इसका नाम है वी ट्रैवल हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल है। और मोशी आते ही मैं आपको कल की बात बताना भूल गया कि कल इमिग्रेशन में क्या हुआ मेरे साथ। इमिग्रेशन में मैंने इनको $50 दिए, मैंने कहा मेरे $50 वापस कर दो, एक्टिंग करने लगे, कहते है नहीं अभी चेंज नहीं है, यहाँ बहुत मजबूरियाँ हैं लोगों की, फलाना ठिकाना से करने लगे। तो मैंने पूछा कि यार $50 तुम $10 रख लो, कहते नहीं बहुत मजबूरी है हमारी तो वेट करो। मैं आधा घंटा वेट करता रहा, फिर उनका ऑफिसर आया, मैंने उनसे बात करी, मैं कह मेरे ऐसे ऐसे $50 है, उसको देखते ही एकदम से बात मार ली, कहता ले जाओ ये लो हो गए अरेंज। एक्टिंग ऐसे करते ना देने के मारे। और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तंजानिया में, एक मोशी है जहाँ पे आपने सुना होगा किलिमंजारो, बहुत बड़ा पहाड़ है, हाइट इज 5000 किलिमंजारो, 5800 मीटर की हाइट है, इसको एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, पर अभी वहाँ नहीं जाएंगे। पर ये किलिमंजारो के लिए मोशी बहुत मशहूर है, और सबसे अलग बात मुझे मोशी में आती, पता क्या लगी, जब मैं एंटर करा तो मुझे लगा यार अजीब सी चीज़ लगी कि अंदर आते ही सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, एंटर करते ही आपको दिख जाएगा इतना बड़ा हिंदू टेम्पल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किंग के साथ, ये है किंग, ये मेरे जो यहाँ पे सारा कुछ अरेंज करवाया है इन्होंने सब कुछ, और ये मेरे हैं आज के, मतलब आज के नहीं, जब जब हम पूरा ट्रैवल करेंगे मोशी को और ट्राइब्स को, ये हैंडल करेंगे सारा कुछ, इनका नाम है किंग, ये मोशी से हैं। व्हाट्स योर विलेज नेम किंग? मबुंगो। मबुंगो से हैं, यू आर फ्रॉम मसाई? ओके, ये भी एक मसाई है फ्रॉम चागा से। और आपको सबसे जो अलग चीज लगी थी मुझे यहाँ पे आते ही, जैसे अफ्रीका में किसी भी कंट्री में आप जाते हो ना, आपको थोड़ी सी घबराहट होती है कि यार ये सेफ तो है कि नहीं है, पर किंग कहता डोंट वरी, ये और अफ्रीकन कंट्रियों से सेफ है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मना करेगा वीडियो बनाने से। और ये है वो श्री हिंदू टेम्पल, वो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, श्री हिंदू टेम्पल है मोशी। बड़ी खुशी हुई देख के मुझे, ऐसा लगता है ना कि बगाने देश में कोई अपना मिल गया, थोड़ी सी सेफ्टी फील होती है जब कोई ऐसी जगह दिखती है ना, एक खुशी भी फील होती है, थोड़ी सेफ्टी भी फील होती है। चलो अभी हम जा रहे हैं एक ट्राइब के पास, वहां जाने में लगेंगे 5 से 6 घंटे पहुंचने में, और आज देखते हैं कि कैसे रहते हैं वहां पे, कैसे कहां तक पहुंचते हैं, आपको सफर दिखाता हूं पूरा कैसा रहता है। चलो सी यू गाइस, मिलता हूं आपको बस से बैठ के। हम सुबह से चले हुए हैं और हजारा ट्राइब की तरफ, पर अभी तक नहीं पहुंचे, लगभग हमें हो गए 7 घंटे चलते हुए, अभी अरूशा पहुंचे थे, अभी अरूशा से अगली बस चेंज करी है, अभी इसमें जाएंगे हजारा ट्राइब से। हजारा ट्राइब लगभग
जो अरुषा सिटी सेंटर है ट्राइब्स का, इससे लगभग 3-4 घंटे का सफर है। और मैं चला था मुशी से सुबह सुबह, और मुशी से अरुषा तक का था 2 घंटे का सफर, मतलब अभी 6 या 7 घंटे लग गए टोटल हमें पहुंचने में। और अभी हूँ मैं अरुषा में, और एयरपोर्ट देखा अरुषा का। करातो, और इसके बाद जाएंगे हम यहाँ की सबसे पुरानी डिफेंडर में। हेलो ये देखो इस डिफेंडर में जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही बना रखी है डिफेंडर इन्होंने। अंदर से देखो टूटी पड़ी है पूरी, टूटी पड़ी है अंदर से पूरी डिफेंडर, खचड़ा हुई पड़ी है। पर इसी को यहाँ चलाते हैं, और आगे से कुछ दिखती है ऐसी है। आगे लिखा है यार डिफेंडर, वाह लिखा, बहुत पुराना मॉडल है, बहुत ज्यादा पुराना। यहाँ यूज करते हैं, यहाँ लगभग सभी के पास डिफेंडर है। वो देखो एक ग्रीन कलर की डिफेंडर खड़ी है, एक ये खड़ी डिफेंडर, ये सारी पुरानी मॉडल की डिफेंडर्स हैं। ये है किंग, इसके इस साइज के हिसाब से सीट लेनी पड़ती है। किंग व्हाट्स योर हाइट ब्रो? 6.8 6'8" का लड़का है पूरा। ये देखो मैं कहाँ आता हूँ इसके यहाँ पर। चलो लेट्स गो ईट समथिंग। धीरे धीरे बारिश हो रही है, हमने अपनी गाड़ी बुक कर दी है, 15,000 शिलिंग लेगी। शिलिंग का बता देता हूँ मैं आपको क्या सिस्टम होता है, शिलिंग दिखता कैसे है वो भी दिखा देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ $1 में आते हैं 2500 से 2600 शिलिंग्स, और अभी मैंने चेंज कराए थे $100, मुझे मिले 2,60,000 शिलिंग 2600 के रेट पे। एक आता 2600 का, पर एज कम्पेयर टू इंडिया आप करोगे तो यहाँ पे हर चीज़ महंगी है आपके, मेरे हिसाब से तो महंगी है अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ हर चीज़ एज कम्पेयर टू इंडिया महंगी लगी मुझे, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अभी हमें 1.5 घंटे की जर्नी और करनी है, उसके बाद पहुँचेंगे हम हरजाबे ट्राइब। और हरजाबे ट्राइब जो ट्राइब है वो एक लास्ट ऐसी ट्राइब बची है जो अभी भी हंटिंग करके खाना खाती है। ये जर्नी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होने वाली है और बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है। आई एम श्योर ऐसी आपने बहुत कम जगहें देखी होंगी और बहुत कम ऐसी ट्राइब देखी होंगी जो आज भी हंटिंग पे डिपेंड करती है। हम उस ट्राइब को देखने जा रहे हैं लगभग यहाँ से 9 से 10 घंटे का सफर शुरू करके। अदरवाइज मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 दिन से मैं चल रहा हूँ, 2 दिन से मैं रुका नहीं हूँ, ट्रैवल करता ही जा रहा हूँ। चलो हरजाबे ट्राइब के पास आपको पहले तो जाते हैं, वहाँ देखते हैं रहने का क्या सिस्टम है, फिर बताते हैं आप लोगों को कैसा है। ये है देखो अंदर से लैंड रोवर, इतनी पुरानी लैंड रोवर मैंने जिंदगी में नहीं देखी अपने, बहुत ज्यादा पुरानी है। पर इसके अंदर सारे अभी भी गेजेस हैं, जो इसके इक्विपमेंट्स है वो दिए हुए इस टाइम पे हिसाब से। और इसका गियर उल्टे हैं यार, ये देखो गियर सारे उल्टे हैं। और ये इसका हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है, कहाँ हैंड ब्रेक देखो, अलग से निकाल के दे रखी, एक हैंड ब्रेक बना रखी साइड में, ये सारा लकड़ की शायद इन्होंने बाहर से तैयार करवाया हुआ है, पता नहीं कंपनी फिट आता था। साथ में लुब्रिकेंट लेके चलना पड़ता है, कभी बंद हो सकती है गाड़ी ये। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये है 1980 की, शायद 81 की है डिफेंडर, और ट्रस्ट मी इतनी स्मूथ, मैंने ना अपनी गाड़ी में मेरी स्मूथ नहीं है, मेरा स्विफ्ट है आप लोगों ने देखी हुई है, इतनी स्मूथ नहीं है ये, इतनी ज्यादा स्मूथ चल रही है ना, ऐसा लगता है कि फील ही नहीं करवा रही। हम इतने आराम से बैठे, कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं, गियर भी इतनी सॉफ्टली चेंज कर रहा है बंदा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी पुरानी लैंड रोवर है। और ये सारा कंपनी फिटेड आता था उस टाइम पे, बड़ी ज्यादा स्मूथ चल रही है यार, हैरानी वाली बात है। और अब भर के चल रहे हैं इसके अंदर, पीछे तक खड़ी हर सीट पे 12-12 पीछे तक। मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा सनसेट देख रहा हूँ, इतना सुंदर सनसेट मैंने कभी नहीं देखा। अगर जिसको सनसेट से प्यार है ना, एक बार अफ्रीका ट्रैवल कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सनसेट होते क्या है। दुनिया में इतने अच्छे सनसेट मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखे। और देखो अंधेरा हो रखा है सामने, और लाइट जला रखी है गाड़ी की, और ऊपर अभी भी अंधेरा है, वो सूरज की रोशनी आ रही है।
क्योंकि पहाड़ों के पीछे सनसेट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे उस टाउन में और सुबह सुबह जाएंगे हम हंटिंग के लिए। फिर से जैसे पुलिस ने रोक लिया था मेरे को बाहर निकाल के, फिर से चेकिंग करने लग गए, पैसे की डिमांड कर रहे थे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। इसके किंग के होने का एक फायदा तो है। किंग पता क्या कहता, किंग कहता हमारे मेरे पास थोड़े से पैसे हैं 10,000, मतलब यहाँ के हुए भाई $2 के आसपास है, हमें आगे जाना रुकना भी है और खाने के पैसे नहीं है। पुलिस वाला कहता सच में कहता हाँ, पुलिस वाले ने जाने दिया। लोकल होने का एक फायदा तो साथ होता है क्योंकि जब पुलिस रोक लिया तो इसने सारा संभाल लिया, ये बात तो है। ये कुछ रूम मिला है तो ठीक ठीक सा ही है, एक गांव से उसमें रुके हैं। ये रूम लिया मैंने 15,000 का, मतलब इंडिया के लगा लो $4 का, $4 या $5 का मिला है मुझे। हाँ ये रूम मिला है। और किंग ने 7 वाला लिया, उसको भी सेम ही है उसका, उसमें वॉशरूम नहीं, उसमें बाथ वाला दूसरे वाला वॉशरूम यूज़ करना है। अभी हम जा रहे हैं दोनों खाना खाने जा रहे हैं, भूल ही गया था क्या करने जा रहे हैं, खाना खाने। ओके ये देखो भाई फुटबॉल का मैच चल रहा है, अभी खाना खाने आए थे मैं और किंग, यहाँ तो चीखे चिगाड़े मारनी शुरू हो गई फुटबॉल के मैच को देख के। बड़े खुश होते हैं यहाँ के फुटबॉल के बंदे लेके, देखो सारी भीड़ लगी है फुटबॉल का मैच देखने। अभी हमने राजमा चावल खाए हैं, ये भाई खा रहा है, हमने खा लिए। भीड़ देखो कैसे लगी है, देख यहाँ पे भी फुटबॉल का पूरा पूरा क्रेज है, लोग बहुत शौक से देखते हैं फुटबॉल को यहाँ पर। सीरियस हो गए कोई दिखाऊं कौन सा चल रहा है, कॉपीराइट का चक्कर ना आ जाए। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है तो इसी ढाबे में बैठ के खाना खाना पड़ा है, ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर ऑप्शन होता तो जरूर खा लेता कोई चच की जगह पे। चलो आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, यहाँ तक वीडियो देख लिया अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं अफ्रीका को और एक्सप्लोर करूँ तो कमेंट्स में बता देना कौन सी कंट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए अफ्रीका की, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।